जय भोलेनाथ, जय भोले, मजा करो। चलो मिलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमानी और आप सभी का स्वागत है भगवान तुंगनाथ बाबा के दरबार से, क्योंकि आज मैं आई हूँ नाथ बाबा के मंदिर में, जहाँ पे जिसे पंच केदारों में से तृतीय केदार के रूप में माना जाता है। और कल हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हमको बेल ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गया था और रास्ते में हमको कहीं पर रहने के लिए मिला नहीं, तो हम सीधे तुंगनाथ आ गए थे रात को। तो अभी मैं आ रही हूँ तुंगनाथ बाबा के मंदिर में और आपको भी दर्शन कराऊंगी यहाँ के। लेकिन हम यहाँ आए और बहुत तेज़ बारिश हो गई है। कल रात से लगातार, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से लगातार बारिश हो ही रही है। और मैंने सोचा थोड़ा सा मंदिर में चले जाते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। वैसे तो हम उस हिसाब से नहीं आए हैं कि यहाँ पे हम कोई पूजा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आ ही चुके हैं तो हम मंदिर के दर्शन भी कर ही लेते हैं और आप लोगों को भी करवा देते हैं। लेकिन मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और आसपास भी बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, तो आप लोगों को साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देगा। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, क्या ये बताएं, मेरे तो हाथ पैर पूरे जाम हो चुके हैं। और मतलब ठंड के मारे ना यहाँ से वहाँ तक नहीं जाया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आई चुकी हूँ तो थोड़ा सा आपको मंदिर के दर्शन भी करवा देती हूँ और मैं भी मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं तो यहाँ पे 2 मिनट भी रुक नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। हाथ पैर पूरे जाम हो चुके हैं और फिर भी यहाँ पे इतनी ठंड में, इतनी बारिश में श्रद्धालुओं की भीड़ तो काफ़ी मात्रा में चली रही है। क्योंकि बारिश हो या बर्फ़ हो, अगर मन में श्रद्धा हो तो कोई भी यहाँ तक पहुँच ही सकता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, फिर भी इस बारिश में इतने वहाँ नीचे से पैदल आ रहे हैं भक्त लोग। तो हमने तो सोचा ही नहीं था कि कल रात को हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन अचानक प्लान बन गया तो आगे अभी नीचे जाना है और वहाँ रास्ते में अभी हमने बैलों को भी ढूंढना है, तब जाके इस बारिश में कहीं पे मिलेंगे तो ले जाएंगे। फिर अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं और कुछ भी इधर उधर का नज़ारा साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। फिर भी जितना भी थोड़ा बहुत जितना भी यहाँ पे दिखाई दिया है हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा। तो यहाँ पे है कुछ इस तरह का नज़ारा, यहाँ पे मुझे तो
ये वाला होटल रहा हमारा, जहाँ पे हमने कल रात, मतलब जहाँ पे हम कल रात को रुके थे, और इस वाले होटल का नाम है आकाश किंग होटल। यहाँ पे रहने खाने और की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। तो जब भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो तुंगनाथ आना चाहेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, रहने खाने सोने से लेके हर चीज़ की, पूजा का सामान भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे काल रात को भी काफ़ी यात्री लोग रुके हुए थे। और यहाँ अंदर ये रहा इनका किचन रूम, यहाँ पे बन रहा है इन लोगों का नाश्ता वगैरह, तो हम भी अब नाश्ता करेंगे कुछ लेट। ये यहाँ पे हो रहा है इसका श्रृंगार। मेरे तो ठंड के मारे इतनी हालत ख़राब हो रही है कि क्या ही बताएं। तो ये रे यहाँ की यात्रा, ये खींचा बस प्यारा। अभी तो हम घर के लिए तैयार हो गए हैं और बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे, और हम एकदम से पैक हो चुके हैं। और ये सारे लोग, ये दोनों तीनों भी तैयार हो चुके हैं, और फिर हम चलते हैं घर। अभी सारी जगह पूरा कल से ना लगातार बारिश ही हो रही है, तो हम तो एकदम पैक हो चुके हैं। हाय हाय, आप अभी ऊपर आ रहे हो या नीचे? नीचे जा रहे हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। मैं भी एक, मैं भी यहाँ पे पहली बार आई हूँ, और मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं शब्दों से नहीं बोलती, लेकिन यहाँ के दर्शन नज़ारा हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप नहीं बता सकते शब्दों में कि आपको कैसा लगा, वो बस बहुत अच्छा लगा। पर बहुत ज़्यादा बारिश लग गई है, और मंदिर के दर्शन भी ढंग से नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हम एकदम से पैक हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे, और वहाँ पे हमने बैलू को ढूंढना है। अगर मिल तो जाएंगे, तब उसके बाद हमको बैल लेके आज घर जाना है। और यहाँ पे आके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा। काश ऐसा लग रहा है, काश मौसम थोड़ा अच्छा होता तो और भी अच्छा हो जाता, पर कोई बात नहीं, जो भी रहा बहुत अच्छा रहा। ठीक है, चलते हैं। अभी हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ का नाम है डलखुड़ी। यहाँ पे पहुंच चुके हैं और बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन ऐसे में भी भक्तों की भीड़ तो लगी हुई है बिल्कुल भी। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और यहीं पे हमने कल दीपा का बैल जो लास्ट में मिला था ना हमको अंधेरे में, यहीं पर बांध रखा है, तो यहीं से हमको उसको भी ले जाना है। और उधर यहाँ से अब हमको इधर जाना है, इस साइड जाना है हमको यहाँ से साइड पैदल जाना है। अभी हम बैलू को लेके यहाँ आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, और अभी भी बारिश लगी रही है, और यहाँ पे हमने इस नदी को पार करना है। पर यहाँ पे हमको जाने के लिए पुल बना हुआ है। पिछली बार भी हम जब बैलू को लाए थे ना वापस, तो इसी रास्ते से लाए थे, और आज भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। और वो लोग तो आगे जा रहे हैं और हमारे बैले पीछे से जा रहे हैं। तो अभी हमको बहुत ज़्यादा जाना है, इतना अभी तो हम मतलब 1-1.5 किलोमीटर ही आए हैं वहाँ से, अभी तो हमको बहुत ज़्यादा पैदल जाना है। और हमने इन बैलों को ना अभी रस्सी पे बांध रखा है, क्योंकि ये ना अभी जब तक हम इनको इनके रास्ते तक नहीं ले जाते ना, जैसे इनको पता चलेगा कि अब हम घर जा रहे हैं तब ये सीधे चले जाएंगे, नहीं तो इनको भागने का डर होता है, कहीं ये वापस ऊपर नहीं भाग जाएंगे, इसलिए इनको ना थोड़ा रस्सी पे बांधना पड़ता है। बाकी सकल के कुछ इस तरह के हाल हो रखे हैं, सुबह से दौड़ दौड़ के ना बुरे हाल हो चुके हैं, पूरे दिन भर सारे जंगलों में ढूंढते ढूंढते ना हमारे तो बुरी दशा हो गई है। तो फिलहाल अभी तो हम चलते हैं, और देखिए
शकल की कुछ इस तरह की दशा हो रही है, बड़ी थकान लग गई है। और अभी ना हम कम से कम शाम के 5-6 बजे तक पहुंचेंगे घर पे। और तो क्या ही बताना है, बहुत थकान लग रही है। तो फिलहाल हम अभी चलते हैं, बाकी फ़ोन में भी बैटरी बहुत कम है। अगर बैटरी रहेगी तो रास्ते का वीडियो भी बनाऊंगी, अगर बैटरी फ़ोन की बैटरी डिस हो गई तो फिर क्या ही बोल सकती हूँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं, बहुत थकान लग रही है। अभी हम मतलब चोपता से कितने 3-4 किलोमीटर आगे घर की तरफ आ चुके होंगे। देवरा, यहाँ से देवरा तालाब काफी नजदीक पड़ता है और अभी मौसम एकदम बहुत ही साफ हो चुका है। और हमने बैलू को यहाँ पे थोड़ा सा चराने के लिए छोड़ा है और तब तक हम भी थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं। और चाय ला रखी थी रास्ते में के लिए और रोटी पराठे बना के लाए थे ऊपर से। तो तब तक हमारे बैल भी चरते हैं और हम भी नाश्ता मतलब चाय रोटी खाते हैं। और मौसम भी अभी बहुत अच्छा हो चुका है। उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पर मतलब खूबसूरती नहीं होगी। मतलब उत्तराखंड में हम कौन सी जगह के नाम ऐसा लें कि जहाँ पे मतलब खूबसूरत, यहाँ तो हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती। अभी हम पहुंच चुके हैं देवरा ताल में और हमारी हालत देखिए कितनी बुरी दशा हो रही की है। और ये जा रही आगे से हमारी बैलों की जोड़ी, एक आ रही है पीछे से और इतने सारे जा रहे हैं आगे से। तो अभी ना 5 बजे का टाइम हो गया है और अब जाके हम देवरा ताल में पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाई देते हैं और उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी भी स्विच ऑफ होने वाली है, उससे आगे हम वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देंगे क्योंकि उससे आगे मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और हमको ना शायद रास्ते में अंधेरा हो जाएगा क्योंकि 5 तो हमको यहीं बच चुकी है और अभी हमको काफ़ी दूर जाना है। मतलब लगभग 5-6 किलोमीटर देवरा ताल से नीचे एकदम डाउन जाना है पर अंधेरा हो जाएगा, शायद अंधेरा हो जाएगा हमको। और थोड़ा सा देवरा ताल का नज़ारा दिखाएंगे आपको और फिर उसके बाद चलेंगे। क्या बनी, मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया ना, इतना दर्द। और रेखा दीदी का तो एक बैल आया नहीं हमारे तो दोनों बैल आ गए। इसका पूरे दिन, आज भी हम इसके बैल को ना पूरे दिन ढूंढते रहे 12 बजे तक और कल भी ढूंढते रहे पर हमको कहीं मिला नहीं। अगर किसी दूसरे दिन मिलेगा तो तब रेखा दीदी फिर से आएगी बैल को ढूंढने। ये रेखा दी फिर से उड़ दो तब बैल ढूंढन, वही तो इसका तो एक बैल आया नहीं, एक ही आया। और ये हमारी लाठी छतरी और हमको ना यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी लगने बैठ गई है तो पता नहीं हम कितने बजे तक घर पहुँचते हैं। चल आही तो बहुत जल्दी, मेरा दिमाग खराब कर अभी हम देवरा ताल में पहुंच चुके हैं और इन लोगों का चल रहा है यहाँ पे फोटो शूट। तो हमारे बैल भी यहाँ पे अब चल रहे हैं और काफी टाइम हो चुका है तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि रास्ते में हमको काफी टाइम लग जाएगा और फोन में बैटरी भी नहीं है। तो आपको
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।